हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। अभी मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ और सुबह से बारिश शुरू हो गई है और ये कि ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो मैंने सोचा अभी बाहर इतना प्यारा लग रहा था शाम का ये मंज़र, जब बारिश भी हो और शाम की रौनक हो, जनवरी का महीना हो, तो इट लुक्स वेरी वेरी स्टनिंग। तो मैंने कहा चलो आज बाहर तो नहीं जा सकते थे, वैसे प्लान था हमारा कि ढूंढ रहे थे हम किसी अच्छे प्लेस को ताकि हम वहाँ पे जाएं और वहाँ पे भी आप लोगों को व्लॉग बना के दिखाएं। बट जब सुबह हम उठे तो बारिश शुरू हुई थी, तो फिर हमने बाहर जाने का प्लान कैंसिल ही कर दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को आज यूनिवर्सिटी घुमाऊं और ये वाला ये प्यारा सा मंज़र आप लोगों को भी दिखा दूँ। अभी विंटर वेकेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ये कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुई है कि 15 जनवरी से लेके 24 फरवरी तक छुट्टियाँ होंगी, बट यहाँ पे जिनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं उनके तो ऑलरेडी क्लासेस नहीं होती, क्योंकि इस तरह होता है यहाँ पे तकरीबन 18 वीक्स का सेमेस्टर होता है, तो 18 वीक्स हर सब्जेक्ट को दिए जाते हैं, बस उसी के अंदर वो सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो 18 वीक्स के बाद आपकी फिर कोई क्लास नहीं होता है, चाहे आपका जब भी एग्ज़ाम हो। तो 18 वीक्स के बाद क्लास ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स के बाद तो आपकी पूरी छुट्टियां होती हैं। तो जिस तरह अभी हमारे तकरीबन दिसंबर 20 दिसंबर तक हमारे क्लास ख़त्म हो गए थे, तो उसके बाद वी आर फ्री टू गो। लेकिन यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोग गए हैं बाहर, क्योंकि क्रिसमस भी था और अब इनके न्यू ईयर शुरू है, तो बस ये बाहर गए हैं अपने होम टाउन्स की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो दूर दराज के इलाकों के आए हुए होते हैं। तो यूनिवर्सिटी काफ़ी खाली हो गई, सिर्फ फॉरनर्स रहते हैं और अभी जी कैंटीन वगैरह बंद हैं, ओपन है जितने भी ओपन हैं वो, मैं कल पूछ रहा था तो वो कह रहे थे कि तकरीबन हम 15 से बंद कर देंगे, तो फिर सिर्फ फॉरनर्स के लिए एक दो जगह ओपन होगी, बाकी ये भी न्यू ईयर मनाने चले जाएंगे। अब ये जो बैक पे आप देख सकते हैं ये भी चाइनीज़ डोम है और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इधर इर्द गिर्द आप देख रहे हैं ये काम कर रहे हैं, ये इन्होंने स्टील्स वगैरह ला के रख दिए हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या बना रहे हैं, बट कुछ डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं। बाहर कितना प्यारा लग रहा है, हवा भी ठंडी चल रही है और बारिश भी हल्की हल्की सी है। वैसे बारिश तो सुबह से स्टार्ट है, जब से सर्दियाँ शुरू हुई है तकरीबन तीसरा बारिश है जो हो रहा है। और अभी मैं इस तरफ जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, वैसे जो सामने वाले डॉम्स हैं ये अभी तक ये भी खाली है, ये भी यूनिवर्सिटी के पास फ्री स्पेस है। अभी एक ये वाला फंक्शनल है और एक ये वाला फंक्शनल है, बस ये दोनों चल रहे हैं, इसके अलावा जो ये वाले हैं इसके अंदर अभी काम शुरू हैं। काम तो खैर नहीं चल रहा क्योंकि अभी स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से फिर इसको ओपन करेंगे, बट एनीवेज इनके पास स्पेस काफ़ी है। अभी ये सामने चाइनीज़ डॉम्स हैं और चाइनीज़ डॉम्स के बिल्कुल फ्रंट पे हमारे डॉम्स हैं और इधर इन्होंने ये चीज़ें लगाई हुई हैं, काम शाम चल रहा है यहाँ पर। ये पता नहीं क्या बना रहे हैं, अब उधर भी कुछ बॉल्स वगैरह रखे हुए हैं और ये जब बन जाएगा तो उसके बाद फिर पता लगेगा कि क्या चीज़ बना रहे हैं। और यूनिवर्सिटी की ये जो गेट है इसके बाहर तो मेन रोड है और वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, ये देखिए आपको ये बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे। कोशिश करेंगे बाहर अगर चले गए तो मैं भी दिखा दूंगा, बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं और उन्होंने भी बड़े बेहतरीन तरीके से एक सेटअप बनाया होता है, छोटा सा होता है, कम इन्वेस्टमेंट के साथ लेकिन चीज़ें बनाते हैं। और ये सामने ग्राउंड है, यहाँ पे आप बास्केटबॉल और बैडमिंटन टेनिस ये खेलते हैं। अभी तो खैर ये फॉरनर्स अक्सर खेलते हैं, अभी तो बारिश है, बारिश की वजह से भी नहीं खेल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स वापस गए हैं, तो ये भी एक वजह है, तो इसीलिए यूनिवर्सिटी खाली है। अब जिस तरह मेन कैंपस है तो मेन कैंपस में
कल परसों मैं गया था तो वहाँ पर भी रश नहीं है अभी, क्योंकि ज़्यादातर चाइनीज़ स्टूडेंट्स होते हैं और वो बाहर चले गए हैं, और छुट्टियों में तो फॉरनर्स भी अक्सर चले जाते हैं अपने कंट्रीज़, तो यूजुअली रश कम रहता है। अब मेन कैंपस में इस तरह के ऑप्शंस हैं कि आप कैंपस के अंदर ये रेंट वाली बाइक यूज़ करते हैं और बाइक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर जब हम आए थे तब ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल था और अलाउड भी नहीं था, तो अभी तकरीबन एक महीना हो गया इन्होंने ये साइकिल्स ला के रख दिए हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा कन्वीनियंट है क्योंकि ये कैंपस बड़ा ओपन है और इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, रोड्स भी बड़े कुशादा है, तो आप अगर साइकिलिंग करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इट लुक्स इट्स फील्स वेरी गुड बिकॉज ये रश नहीं है, गाड़ियाँ भी बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, और रोड्स बहुत ओपन हैं। जब छुट्टियाँ होती है तो मतलब जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो फिर स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं, उस टाइम एहतियात करना होता है। अब जो सामने वाली ये बिल्डिंग है ये रिसेंटली बना है, हमारे क्लासेस यहाँ पर होते हैं, हमारे भी क्लासेस यहीं पर होते हैं और जो चाइनीज़ हैं इनकी भी क्लासेस यहीं पर होते हैं। अब चूँकि अभी तो क्लासेस नहीं है, किसी की भी नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पर ये पढ़ते भी हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाइब्रेरी दूर है तो जो भी आपकी करीब क्लास है वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। ये शांगशुए बिल्डिंग है जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ ये बिल्कुल नया बना है, इसको तकरीबन 2 महीने हो गए, और ये इसकी लंबाई भी है और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, सारे क्लासेस यहाँ पर होती हैं। और जो ये एरिया है यहाँ पे बस भी आता है, जो मैंने आपको बताया था जो डायरेक्ट मेन कैंपस से कनेक्टेड है, मेन कैंपस से इधर आता है और इधर से मेन कैंपस, और ये रोड भी अभी भी बना है। और इस बिल्डिंग का मुझे नहीं पता, आई थिंक सो ये फैकल्टी के लिए बना रहे हैं, इसके अंदर बस चीज़ें रिनोवेट कर रहे हैं। यहाँ पे चाइना के अंदर जो सर्द इलाके हैं वहाँ पर रात भी बहुत जल्दी हो जाती है, 4 बजे के बाद ही बस अंधेरा छाना शुरू हो जाता है। अभी इस वक्त भी 5:45 और इस तरह लग रहा है कि ये 9 बजे या 10 बजे का टाइम है। और ये एरिया भी, ये भी सामने क्लासेस हैं जहाँ पे अक्सर प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स, और ये भी पहले हमारे यहाँ पे क्लासेस होते थे, लेकिन फिर जो दूसरा बिल्डिंग मैंने आपको दिखाया वो प्रिपेयर हो गया तो हम उधर ही शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो डोम की भी करीब है। इस वक्त बहुत कम लोग हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, फैकल्टी के कुछ लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीचर्स हैं। ये जो सामने बिल्डिंग है ये जिमनेजियम है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ लिमिटेड जगह हैं, लोग यहाँ भी इंडोर गेम्स खेलते हैं, लेकिन वहाँ पे सामने बहुत बड़ा जिमनेजियम बन रहा है जो सिर्फ जिमनेजियम होगा, और वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत बड़ी तादाद में भी होगी, और यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, मतलब क्लिनिक सा है जहाँ पर आप अपनी चेकअप रेगुलरली अगर कोई प्रॉब्लम होता है फीवर वगैरह तो वो भी कर सकते हैं। और सामने तो मैंने आपको दिखाया है वहाँ पे SM के लिए शॉप्स बने हुए हैं, ATM है, तो ये फैसिलिटीज़
है और सामने यहाँ पे जो है ना ये कैंटीन है थर्ड फ्लोर तक, तो वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये कि 9 बजे के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपने लंच के लिए कोई चीज़ उठानी है या डिनर के लिए, स्पेशली डिनर तो 4 बजे ही शुरू हो जाता है, और ये भी चाइनीज़ डॉम है। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ, खैर फास्ट फूड्स भी है, बर्गर किंग वगैरह, वो तकरीबन 9 बजे तक ओपन होता है। ओपन तो खैर 10 बजे तक होता है, लेकिन असल चीज़ें वहाँ पे 9 बजे तक होती है, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये अब हम कैंटीन के अंदर आ गए हैं। इस वक्त तो खैर लंच के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी जगह भी बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, अपना काम शाम भी कर सकते हैं। तो अभी गाइस, आप सबको मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये 2024 का मेरा सबसे पहला व्लॉग है, और आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, टू ईच वन ऑफ यू, कि आप लोगों ने मुझे इस एक साल के अंदर बहुत प्यार दिया, और आप जुड़े रहे साथ में, और इंशाल्लाह आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि 2024 में मेरे प्लानिंग्स हैं, और इंशाल्लाह मैं चाइना के अंदर भी बहुत सारी जगह आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, और चाइना से बाहर भी डिफरेंट कंट्रीज जाके आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाऊंगा। और अभी इस वक्त स्नो भी शुरू हो गई है, हमें पता नहीं था, लेकिन अभी ऐसा ऐसा स्नो भी शुरू हो गई है, और लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वान्टिटी में है। पर एनीवेज, जो भी हो, अगर स्नो हुई तो फिर भी मैं आपको व्लॉग बना के दिखा दूँगा, बट बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ज़्यादा देर तक मैं व्लॉग नहीं बना सकता, क्योंकि हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं। तो अभी मैं, उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, ये थोड़ा सा व्लॉग मैं आप लोगों के लिए बनाना चाह रहा था सर्दी में और बारिश में, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच गाइस।